हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 में 27,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है। आज दोस्तों एक बार फिर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विवेकी खान और उनके साथ बहुत सारे छात्र पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। और यहाँ पर इन छात्रों ने पहले तो धन्यवाद दिया प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन सूची जारी करने के लिए। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक समायोजन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक नई भर्ती नहीं निकलेगी। लगभग 5,000 पदों पर नई भर्ती का अधियाचन मिला हुआ है, इसमें 1,000 पद समायोजन में ही समाप्त हो जाएंगे। 2016 का आपने देखा ही होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का समायोजन हो गया। अभी भी 50-60 अभ्यर्थी 2016 वाले बचे हुए हैं, एक सप्ताह के भीतर भीतर इनका भी समायोजन हो जाएगा। उसके बाद 2021 के अभ्यर्थियों का समायोजन होना है, 10 मार्च के पहले पहले इन अभ्यर्थियों का भी समायोजन हो जाएगा, यानी कि चुनाव से पहले जो पुरानी भर्तियां हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, वेटिंग लिस्ट वगैरह जो भी है उसे क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जैसे ही 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बने, सरकार बनते ही नई भर्ती को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और 4,000 पदों पर किसी को भी विज्ञापन मंजूर नहीं है। विज्ञापन में और एक 1.5 महीना डिले हो जाए ये मंजूर है, लेकिन 27,000 पदों पर ही विज्ञापन आना चाहिए। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए जिसमें विकी खान जी ने सारी चीजें बताई हैं सीधे लाइव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर हम सभी प्रतियोगी छात्र प्रवक्ता हिंदी में चयनित। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है, और ये बुक आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान की ये बुक आप देख सकते हैं जो 30 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 का सॉल्व पेपर है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, तो आपका पूरा जीएस इस बुक से कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट की भी इनकी किताब आती है अलग अलग विषयवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों को जरूर कंसिडर करिएगा। यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि ऑफलाइन आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो वहां पर भी ये इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर हम सभी प्रतियोगी छात्र प्रवक्ता हिंदी में चयनित अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कल चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन एवं संशोधित पैनल जारी किया गया। इस खुशी में जो है आज जो है चयन बोर्ड पर हम लोग मौजूद हैं, और जो जिला विद्यालय निरीक्षक तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे पास व्यक्तिगत रूप से भी फोन आया है कि नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षकों के मन में असमंजस की स्थिति है कि जो है एक सर्कुलर एक निर्देश जारी करे चयन बोर्ड। तो आज आदरणीय डिप्टी सचिव चयन बोर्ड से हमने फोनिक वार्ता भी की है। उन्होंने कहा है कि हमने जो कल संशोधित पैनल जारी किया उसमें कालम 4 और कालम 5 में हमने स्पष्ट रूप से निर्देश कर दिया है, किंतु अगर असमंजस की स्थिति है तो सोमवार को या अधिकतम मंगलवार तक जो है एक निर्देश चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रेषित कर दिया जाएगा, ताकि वो जो है कहीं भी नियुक्ति कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो ये हमारा प्रयास है। ये प्रवक्ता हिंदी का जो सुखद समापन हो रहा है इसके लिए चयन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी सचिव साहब का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का भी शुक्रिया है कि आपने 410 बेरोजगारों को सही समय पर नौकरी देने का काम किया, उनकी मानसिक समस्याओं को समझते हुए, मानसिक वेदनाओं को समझते हुए उसका निदान करने का काम किया है, सादर आभार आपका। दूसरी बात, प्रतियोगी मोर्चा अब जो अगली लड़ाई लड़ने जा रहा है वो 2016 के जो बचे हुए समायोजन है, लगभग 289 लोगों का समायोजन हो चुका है, लेकिन 50 और 60 की संख्या में अभी भी 2016 में बच गए हैं लोग, उनका जो है समायोजन कराना है, इधर एकाध हफ्ते के बीच कराना है। उसके बाद विज्ञापन वर्ष 2021 के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनका भी समायोजन 10 मार्च से पहले पहले करा देना है, ये प्रतियोगी मोर्चा ने निर्णय लिया है। उसके बाद बचेगा प्रतीक्षा सूची में चयनित हमारे तमाम भाई, उनके लिए भी प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास जारी है, और चुनाव बाद नई सरकार बनने के बाद उनके लिए अच्छे तरीके से प्रयास किया जाएगा कि जहां जहां जिला विद्यालय निरीक्षक को अगर ये जानकारी है कि हमारे यहां ज्वाइन नहीं हुए हैं लड़के,
वहां पर वो जो है फिलहाल 13-3 नियम के अंतर्गत भी वो जो है नियुक्ति दे सकते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि काउंसलिंग के द्वारा अगर कराया जा सके तो काउंसलिंग के द्वारा चयन बोर्ड या शिक्षा निदेशालय कर सके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों के लिए कि लगभग 14 लाख बीएड बेरोजगार इस समय जो है टकटकी लगाए हुए है चयन बोर्ड पर कि 27,000 नए विज्ञापन की तलाश में हम लोग जो है उम्मीद बांधे पड़े हैं। उस 27,000 विज्ञापन को प्रतियोगी मोर्चा का पूरा प्रयास है कि चुनाव के बाद नई सरकार बनने की स्थिति में जिसकी भी सरकार बनेगी हम लोग जो है प्रयास करेंगे उसके लिए सत्याग्रह के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से तमाम जो है माध्यम होगा उसका प्रयोग करते हुए 27,000 विज्ञापन चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को देना चाहिए। ये हमारा जो है प्रयास है, क्योंकि जो अब तक अधियाचन आया है, जहां तक जानकारी है चयन बोर्ड द्वारा मैंने ली है, उसमें 5,000 अधियाचन आया हुआ है, 1,000 समायोजन में जाएगा, 4,000 अधियाचन बचेगा, 4,000 विज्ञापन प्रतियोगी मोर्चा को बिल्कुल मंजूर नहीं है। 27,000 विज्ञापन के लिए हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार बिल्कुल निश्चिंत रहे। तमाम हमारे भाई बहन पीछे आप देख रहे हैं, इनको एक नौकरी मिली है, आगे आप लोगों को भी नौकरी मिलेगी। प्रतियोगी मोर्चा का यही प्रयास रहेगा कि हर बेरोजगार के आंसू पोंछने का काम प्रतियोगी मोर्चा करे। आप सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदी प्रवक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।